नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो और लेके आया हूँ। ये मार्च में हमने मार्च के बाद अप्रैल में ये मूंगफली गाड़ी थी, हमने खेत में लगाई थी। तो इस पर देखिए फूल स्टार्ट आना हो गया है, फूल स्टार्ट हो गया है ना। ये देखिए वो पूरे एक बीघा में ये मूंगफली है और इसकी काफ़ी अच्छी, मतलब ये ज़्यादा पानी भी नहीं चाहती है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। और ये हमने देखी कैसे लगाई है, इसको हमने लगभग 6 इंच का इसका हमने ये जो नाली है वो रखी है और पेड़ की दूरी है लगभग, ये नाली की जो दूरी है 6 इंच है, 5-6, और पेड़ की दूरी है लगभग 4 इंच। काफ़ी अच्छा पूरा लाइन से है ये और काफ़ी अच्छा है। इसमें जब फूल आना स्टार्ट हो जाता है तो समझ जाना चाहिए कि इसमें जो अंदर मूंगफली है उसके अंडे बनना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी हेल्थी पौधा है इसके। ये देखिए ये फूल आना इसमें स्टार्ट हो गया है। ये पूरा मूंगफली है, ये पूरा मूंगफली खेत है। ये हमारा आम है, इस पे आम भी लगे हुए हैं, काफ़ी सारे आए हैं इसमें आम। और ये पूरे खेत में मूंगफली है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अप्रैल में या मई में लगा सकते हैं इसको, जब आलू की खुदाई होती है या फिर जो सरसों की कटाई होती है उसके ठीक तुरंत हम खेत में पानी छोड़ दें। पानी छोड़ने के बाद जब उसमें काफ़ी, मतलब जो हल्का सा जुताई होने लायक हो जाए, उठ आ जाए खेत में, तब उसकी जुताई करने के बाद, पटेला लगाने के बाद उसमें तुरंत ही खुरपी से या मशीन के द्वारा उसे लगा देना चाहिए। उसके बाद इसमें पानी जल्दी नहीं लगता है, पानी काफ़ी बड़ा, जब तक 4-5 इंच का पौधा ना हो जाए तब तक पानी ना लगाएं इसमें। हाँ, अगर खेत ज़्यादा सूख रहा है तो पानी मजबूरी बन जाती है लगाना, लेकिन इसको काफ़ी नमी में ही गाड़ें। नमी में गाड़ने के बाद इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना पड़ता है और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो चलो मैं इसको जब मूँगफली को निकालूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें कैसा निकला। और इसको फिर बरसात वाली भी मूँगफली की जाती है, उसको भी लगाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि उसमें और इसमें कितना डिफरेंस आता है। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।